सदगुरु जग्गी वासुदेव ने नागरिकता संशोधन कानून पर रखे अपने विचार, सभी मुद्दों पर खुलकर बोले। पीएम ने भी किया सोशल मीडिया पर साझा। हरियाणा के लगभग सभी जिलों में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते द्वारा की गई छापेमारी, कई कर्मचारी पाए गए अनुपस्थित। शीतलहर के चलते हरियाणा में 30 दिसंबर से 15 जनवरी तक सभी निजी व सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित। और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने कहा, नागरिकता संशोधन कानून किसी भी भारतीय की नागरिकता पर नहीं उठता सवाल, यह कानून पड़ोसी देशों में प्रताड़ना सहन कर रहे अल्पसंख्यकों के लिए। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत, अब समाचार विस्तार से। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव ने भी संशोधित नागरिकता कानून को सही कदम ठहराया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को भारत में नागरिकता मिलेगी, वह ऐसे लोग हैं जिनकी धार्मिक स्वतंत्रता भी खतरे में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सदगुरु ने ऐतिहासिक और भारत के सांस्कृतिक पहलुओं को बखूबी उभारा है। उन्होंने उन लोगों को भी बेनकाब किया है जो कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। है और आप यहाँ आना चाहते हैं, इसकी अनुमति नहीं है। आप आर्थिक अवसरों के लिए आना चाहते हैं तो नहीं आ सकते। अगर आप आना चाहते हैं तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है। भारतीय नागरिकता के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है और कानून की सामान्य प्रक्रिया से गुजर सकता है। किसी भी अन्य देश की तरह भारत में भी आप भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सामान्य प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। चाहे आपका धर्म कोई भी हो, आप भारत में आ सकते हैं। ये नागरिकता के लिए सामूहिक स्वीकृति है। ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ रह रहे हैं। 2014 का मतलब है वो कम से कम 7 सालों से यहाँ हैं, ज़्यादातर 15 से 20 सालों से। अब सड़कों पर हो रही प्रतिक्रिया को देखते हुए, जिस भयंकर तरीके से लोग लड़ रहे हैं, मुझे लगा क्या मैंने इसके किसी हिस्से पर ध्यान नहीं दिया, क्या कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन पिछले 24 घंटों में मैंने कुछ चीज़ें देखी, ये बस यही है। और सभी जानते हैं कि बस यही है। आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव ने अपील की है कि संशोधित नागरिकता कानून का विरोध करने वाले हिंसा का रास्ता न अपनाएं। कि सार्वजनिक प्रॉपर्टी जलाई और नष्ट की जा रही है, साधारण लोगों के स्कूटर, कारें और दुकानें बुरी तरह तहस नहस कर दिए गए, किस लिए? क्योंकि जब भीड़ उत्तेजित हो जाती है तब किसी को पता नहीं होता कि वो कोई चीज क्यों कर रहे हैं। सभी कुछ ना कुछ करते हैं। मुझे लगता है कि किसी ने बहुत ही सोचे समझे तरीके से अल्पसंख्यकों को यह संदेश भेजा कि आपकी नागरिकता खतरे में, जो बिल्कुल झूठ है। दुर्भाग्य से यह फैला, यह झूठ पिछले एक हफ्ते तक फैला, अब फैलना रुक गया है। अब लोग समझ गए हैं कि ऐसा नहीं है। अब वो अलग अलग कारण ढूंढ रहे हैं कि उन्होंने वैसा क्यों किया। गुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि यह कानून सिर्फ किसी ऐसे शरणार्थी को नागरिकता देता है जो धार्मिक आधार पर जो लोग खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों में एक निराशा है जिन्होंने बड़ी संख्या में धार्मिक समूहों को गलत सूचना दी, जो ये सोचकर जंगली काम करने लगे कि स्थानीय भारतीय मुस्लिम अपनी नागरिकता खो देंगे। उन्होंने यही सूचना दी। उन्होंने मैसेज भेजकर कहा कि वो भेदभाव कर रहे हैं और आप सभी अपनी नागरिकता खो देंगे और आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। ये ऐसी शरारत इतने बड़े स्तर पर असरदार नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है। फिर भी आज के युग में जब आप अपने फोन पर एक्ट पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है, CAA में क्या लिखा है, ये कोई भी छात्र पढ़ सकता है। लेकिन वो सभी अनपढ़ों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। वो प्रमुख यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वो एक एक्ट नहीं पढ़ पाए। And how come they can't read the damn act? ये बहुत ही दुखद है कि ऐसी चीज हो सकती है।
कि कोई भी एक्ट नहीं पड़ता, सभी फैलाई गई बात पर विश्वास करते हैं। व्हाट्सएप उनका ज्ञान का स्रोत है। आज प्रदेश भर के आरटीओ जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री उड़न दस्तों द्वारा छापेमारी की गई। जनता से कार्यालय की कार्यप्रणाली की भी जानकारी ली गई। प्रदेश के प्रभारी आईजी अनिल राव छापेमारी से संबंधित रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। भिवानी आरटीओ कार्यालय की चेकिंग ठीक सुबह 9 बजे शुरू हो गई। 5 सदस्यीय दस्ते ने कार्यालय कर्मचारियों की हाजिरी के साथ विभाग से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों को भी चेक किया। फ्लाइंग के इंस्पेक्टर दिनेश यादव ने बताया कि चौकीदार व सफाई कर्मचारी के अलावा अन्य कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि सारे मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और अनुपस्थित कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। कर्मचारी नहीं आया हुआ था, उसका डीसी रेट पे है, कुछ इन्होंने कंप्यूटर पर लगा रखे हैं, कुछ पक्के हैं। वैसे 8 कर्मचारी यहाँ पक्के हैं, पक्की डीसी रेट के। सरकार की सख्त हिदायतें हैं कि समय पहुंचने की, और विभागों में जाते भी हैं कर्मचारी, पर यहाँ इसीलिए चेकिंग की गई है कि कहीं ना कहीं कमी मिली है, तो इसीलिए ये सीएम फ्लाइंग का छापा पड़ा है। मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार आज प्रदेश भर में आरटीओ कार्यालयों पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा छापेमारी की गई। सिरसा आरटीओ कार्यालय में छापेमारी के दौरान एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। आरटीओ कार्यालय में 17 कर्मचारियों की ड्यूटी है और करीब 11:30 बजे तक 9 कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे। सुबह 9 बजे से लोग जुर्माना राशि भरने के लिए कार्यालय में पहुंचे, लेकिन 11 बजे तक भी खिड़की नहीं खुलने से लोग बहुत परेशान दिखाई दिए। चेकिंग की गई है जिसमें काफी दुविधाएं मिली हैं। कैमरे नहीं लगे हुए, लगे हुए हैं तो काम नहीं कर रहे। हर मुलाजिम यहाँ समय पर नहीं आए, उनकी हम जांच कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि समय पर काम न हो पाने के कारण उन्हें बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके चलते उन्हें समय की बर्बादी व आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। यहाँ जैसे मैंने गाड़ी की पासिंग करवानी थी जी, तो मेरे को 4 चक्कर इन्होंने मरवाए हैं जी। कभी तो बोलते हैं भी आपकी ये डॉक्यूमेंट कम है जी, कभी बोलते हैं ये कम है ये, कभी बोलते हैं भी आप जिसके नाम गाड़ी है उसका वो लेके उसको साथ लेके आओ। अब मैंने गाड़ी पासिंग करवानी थी तो मेरे को इन्होंने ये बोला भी आपका जो टैक्स है वो आपका जो पहले कहीं आपने किंदा करवा रखा था उसको फेल करवाओ। ठंड के चलते हरियाणा सरकार ने 30 व 31 दिसंबर को प्रदेश भर में स्कूलों की छुट्टी करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन आज प्रदेश भर में कई ऐसे निजी स्कूल पाए गए जो उन आदेशों को उल्लंघन करते हुए दिखे, जिस पर प्रशासन ने निरीक्षण करके सख्त कार्रवाई भी की। रेवाड़ी के उपायुक्त के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया और 5 स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की। निरीक्षण करने पर श्री कृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल हासांका, आरपीएस स्कूल दिल्ली रोड रेवाड़ी, एमएलपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेश्वरी, सूरज स्कूल रसगण दिल्ली रोड रेवाड़ी व होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल खुले मिले, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से चल रही भीषण शीतलहर के कारण 30 और 31 दिसंबर को प्रदेश में सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। यह फैसला रविवार शाम लिया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि भीषण ठंड के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने 30 और 31 दिसंबर को सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। इसके बाद 1 से 15 जनवरी 2020 के बीच सर्दी की छुट्टियों के कारण प्रदेश के सभी स्कूल बंद रहेंगे। सभी स्कूल के मुखियाओं से शिक्षा निदेशालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। रेवाड़ी उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशानुसार सभी सरकारी व निजी स्कूल 16 जनवरी को खोले जाएंगे। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी ने एक प्रेस वार्ता की। नागरिकता संशोधन कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून से किसी भी नागरिक को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। सांसद नायब सैनी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून प्रताड़ना सहन कर रहे अल्पसंख्यक लोगों के लिए है। उन्होंने कहा कि हिंदू, सिख, ईसाई या किसी भी समुदाय के व्यक्ति पर अत्याचार होता है तो वह भारत में आ सकता है। जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो पास किया गया माननीय राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के बाद, सिटीजन
अमेंडमेंट एक्ट बन गया, और जिस प्रकार का विपक्ष ने देश के एक गुमराह करने का षड्यंत्र रचा, कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने एक इस प्रकार का एक विशेष वर्ग को डराने का काम विपक्ष ने किया। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता राज्य मंत्री ओपी यादव लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में रेवाड़ी पहुंचे। राज्य मंत्री ओपी यादव के सामने अलग अलग विभागों के 21 परिवाद रखे गए। उन्होंने कुछ परिवादों को मौके पर ही निपटा दिया और कुछ को अगली बैठक तक स्थगित कर दिया। राज्य मंत्री ओपी यादव ने कहा कि कुछ परिवादों का निपटारा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को बचे हुए परिवादों को अगली बैठक तक निपटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये होता है कि जो परिवाद सामने रखे जाते हैं उनका हाथ की हाथ उसी समय निपटारा करने की कोशिश की जाए, और हमने ऐसा ही प्रयास किया है, और समय पर नहीं हो सका तो उसका अगली मीटिंग तक निपटारा हो जाएगा। उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य जनवरी 2020 माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे। अपने दौरे में वे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज करेंगे और पुरानी शिकायतों पर सुनवाई भी करेंगे। निगम प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य 3 जनवरी 2020 को यमुनानगर, 6 को पंचकूला, 9 को कुरुक्षेत्र, 10 को करनाल, 13 को अंबाला, 15 को रोहतक, 17 को कैथल, 20 को सोनीपत, 22 को पानीपत, 27 को CGRF कार्यालय कुरुक्षेत्र और 31 जनवरी 2020 को छछर के अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने नागरिकता संशोधन कानून पर रखे अपने विचार, सभी मुद्दों पर खुलकर बोले। पीएम ने भी किया सोशल मीडिया पर साझा। हरियाणा के लगभग सभी जिलों में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते द्वारा की गई छापेमारी, कई कर्मचारी पाए गए अनुपस्थित। शीतलहर के चलते हरियाणा में 30 दिसंबर से 15 जनवरी तक सभी निजी व सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित। और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने कहा, नागरिकता संशोधन कानून किसी भी भारतीय की नागरिकता पर नहीं उठाता सवाल, यह कानून पड़ोसी देशों में प्रताड़ना सहन कर रहे अल्पसंख्यकों के लिए। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।